जनपद में हुई बाढ़ की क्षति के संबंध में राज्य आपदा मोचक निधि में दिए गए प्रावधानों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित बाढ़ मेमोरेंडम जो कि भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है के संबंध में रमेश कुमार घंटा संयुक्त सचिव मंडी गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में केंद्रीय दल की बैठक एनेक्सी भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बाढ़ के दौरान आपदा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में पावर पॉइंट के माध्यम से एक प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें जनपद की संवेदनशीलता, बाढ़ की कार्य योजना, निर्माण एवं क्रियान्वयन, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन तथा क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह, केंद्रीय दल के सदस्य वित्त मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर मान सिंह बलबीर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त सचिव NDM गृह मंत्रालय भारत सरकार रमेश कुमार घंटा ने कहा कि सरकार से अपेक्षा है कि क्षतिग्रस्त एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों क्षति का आकलन कर राज्य आपदा मोचक निधि के मानक के अनुसार संशोधित एवं उचित बिल प्रस्तुत किया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजन पांडेय ने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि बाढ़ के क्षति के आकलन की कार्रवाई नियमानुसार करें तथा अगले कार्य दिवस के 3 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांडेय ने कहा जो आप देखेंगे सर, ये जो हमारा
श्रावस्ती का जो पार्ट है सर, मतलब डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से सर काकरदारी से राप्ती जो रेड से ये पूरा कंटेंट पोर्शन है सर, जिसमें सर आदमी है रात में सर आमी पोर्शन सर पूरा इस तरीके से पूरा फ्लडेड है सर। ये एक ये सर हमारे सर मतलब पिछले 2015-20 का सर एक एवरेज रेनफॉल है सर। इसमें अगर देखें तो सर लास्ट ईयर भी 2019 में और 2020 में सर हमारा एवरेज रेनफॉल सर रहा है, अभी सितंबर सर भी हमारा है और इसमें सर अगर मैं लास्ट ईयर के साथ अगर तुलना करूँ सर इसमें तो आप ये हमारा एवरेज रेनफॉल सर ब्लू स्टेट से है और जो हमारा 2019 का जो रेनफॉल है सर वो रेड स्टेट से सर शो कर रहा है सर और जो ग्रीन है सर वो हमारा 2020 का है। लेकिन सर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में सर हमें जो रेनफॉल का सर जो सबसे ज़्यादा था सर वो जुलाई में हमको 697 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था सर और सितंबर में सर जाकर के मतलब लास्ट इस टाइम सर काफ़ी बारिश हुई थी और उसने एवरेज रेनफॉल को सर कवर किया था। लेकिन इस बार सर हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग ये रहा सर जून में ही हम लोग को काफ़ी रेनफॉल सर यहाँ मिला मतलब जस्ट डबल रेनफॉल हुआ सर और फिर उसके बाद जुलाई में भी सर हम लोगों को ऑलमोस्ट डबल रेनफॉल का सर फिर सहना पड़ा। लेकिन अगस्त में सर बिस्तरी में रेनफॉल डाउन हो गया और अभी भी सर सितंबर में भी जो है वो बिलो एवरेज रेनफॉल चल रहे हैं, इससे सर अभी थोड़ा सीनरी डाउन है सर इस क्वेश्चन में। इन 2017 सर जिसमें हम लोगों ने डिवास्टेटेड फ्लड को फेस किया था उस समय सर उसके कंपेरिजन और इस ईयर के कंपेरिजन जो कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना था सर उसमें हम लोगों का 24/7 में भी फ्लड का सर हम लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट किया था तो ये कंटिन्यूसली सर ये अभी प्रमोट कर रहा है सर। ये लोग सर CDO सर और सभी SDM का आह्वान सर लगातार फील्ड विजिट करते रहे सर और जो हमारे माननीय विधायक हैं सर उन लोगों के साथ भी सर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सर उनके साथ भी लगातार टीम का सर लोगों ने विजिट किया सर। इससे रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर मुक्तिधाम बड़लगंज की तरफ जहाँ पर ये विजिट करके और सारी चीज़ों को सर मॉनिटर किया गया लगातार सर। अभी आप देख रहे हो किया जाए ये उसका एक सर ये गोला तहसील में सर ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन है सर जहाँ पे हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को सर फॉलो करने का कोशिश करें। ये फूड पैकेट सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सर तो इसमें आप देखेंगे सर जो एप्रन पहने आपका मित्र है सर जो इसमें टोटल क्रॉप लॉस रहा है सर वो क्रॉप लॉस सर टोटल ये हर तहसील वाइज उसका फिगर है सर और ये इतनी टोटल सर 10,000 उनका सर्वे करके 166 लाख का सर्वे कर चुके हैं जिसका रिपोर्ट तैयार करके फसल बीमा कंपनी को आवेदन करने के लिए सर फसल बीमा कंपनी के पास में जाएंगे ना ओनली ब्यूरो रिपोर्ट्स जो ब्यूरो की रिपोर्ट है ओनली ब्यूरो वैसे जितने जो बच्चे हैं कोर्स अगर सर्च और हाइली बट दे आर सम पॉकेट्स दे आर नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सिटी बट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर
जो धनराशि लिखी हुई है ये उस रिलीफ जी सर पूरा पैकेज का है। अच्छा, उनके लिए कोई नकदी को देने के लिए नहीं, नकदी की व्यवस्था है नहीं सर, नकदी की व्यवस्था उसके नकदी की व्यवस्था इस बार हाथ में नहीं थी सर। वो प्रवासी मजदूर जब आए थे उसमें 1,000 रुपये उन्होंने लगभग जी इसमें कोई नकद नहीं है, मेरे पास प्रोवाइड जो संख्या दे दीजिए कैश को कैश ट्रांजेक्शन नहीं थी। कितने दिन तक ये ये सब फूड पैकेट्स जो थे वो 15 दिन के खाने के लिए उनके सर्विस है सर, लगभग 50 केजी का फूड पैकेट है सर। कैंप्स का नहीं थे वो, अपने जो उनका गांव था गांव के किनारे जो हमारे बंदे बने हैं बंदे पे आ जाते हैं और अपना गांव वो देखते हैं। हाँ सर, वही तो हमने फूड पैकेट शुरू किया सर, कि वो उसी का ही है सर। अलाउंसेस कुछ है सॉर्ट ऑफ अलाउंसेस अभी है लाइक वो नहीं है उसके लिए फूड के लिए नहीं उसके लिए कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। Yes. वो काम से बाहर रह गए जी, काम नहीं कर पाए, इंडिकेशन उनकी पूरी विलेज पर ही है, उनके कार्ड स्टोर पर रह गए, उसमें से काम से अलग हो गए जी सर। वो देयर एंटिटी फॉर लाइवलीहुड अमाउंट आल्सो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया सर, वो पैसा नहीं दिया गया या कोई इसी तरह का कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया गया सर। चेक करो ना सर, बहुत सर हम लोगों ने विजिट की व्यवस्था की है सर, उस वहीं पे हमें स्कूल भी दिखाई पड़ जाएगा सर और काफ़ी ऐसा एरिया दिखाई पड़ जाएगा। इसके अलावा सेकेंड हाफ में सर सजनवा मतलब हम लोग अभी रात को चक चक में वापस आ जाएंगे लंच तक सर, और उसके बाद सेकेंड हाफ में सजनवा एरिया को दिखाई Crop as well as the
But the thing is, we have to exactly compensate the actual losses happening. That is the invention of India as well as ours, as well as any other agency. Because of COVID, we can't able to manage. This is the true fact, because we are almost during the first situation when the threat was free, our COVID was also free. And we had around 2 lakh migrants who came back here. And managing them and managing the frontline situation is really challenging for us. During the time, there's an average of 4 to 10 deaths happened per day due to COVID. That is the real situation. And all the revenue missionary almost engaged, still now they are engaging COVID. Because it is the biggest disaster so far. Human history has been concerned. That may be the reason, sir, we are not able to assess it properly. But I have assumed, sir, that there is a lot of departments, they have a data. And the SDMs and we sit together and we will present you a right picture so that the right man will have a right conversation. I assure sir, within the week we try to put all the pieces in together and we will present you a comprehensive picture and a true picture and real picture so that a common man or poor man can be compensated. मैम आप चलेंगे यहाँ सर हाँ देखिए दिल्ली से NDRF का टीम आई हुई थी. इन लोग बेसिकली तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो कितने नुकसान हुआ है उसका आकलन कराने के लिए केंद्र सरकार का टीम है. इस पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर साहब भी थे और उनका टीम का 4-5 मेंबर भी थे. इन लोग सुबह जायज़ा लिए थे जो इसका इस समय में बाढ़ का नुकसान क्या क्या हुआ है. उसके बाद अभी फील्ड में भी गए हैं. हम लोग उनसे अपील किए हैं ताकि यहाँ 30-40 करोड़ रुपया का फसल का नुकसान है और तमाम क्षति हुआ है यहाँ का संपत्ति का, उसका भरपाई कराने के लिए. वो पॉजिटिवली उनने सहानुभूत तरीके से विचार भी किए थे. उम्मीद करेंगे अभी तो ये रिपोर्ट चले जाएगा तो हम लोग का केंद्र सरकार माध्यम से भी कुछ मदद मिल सकेगी.